हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। मैं हूँ मूनशाइन। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसी मैं हूँ। फ्रेंड्स, मैं आई हुई थी कालसी में होली सेलिब्रेशन के लिए, जो कि हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन तो मैं सीधे सीधे रास्ते से इधर को आ गई, बट जो इधर जो बहुत बड़ा बाग है, ये आप देख सकते हो पीछे के साइड में काफ़ी बड़ा बाग है आम का। तो यहाँ पे आज जब मैं मॉर्निंग में जा रही थी शॉप तक, तो देखा मैंने यहाँ इस साइड को काफ़ी सारी पेटियाँ, ये देखिए दिख रही होगी आपको, काफ़ी सारी पेटियाँ रखी हुई है और इन पेटियों में मधुमक्खियाँ पल रही हैं, जो कि बाग वालों ने यहाँ पे रख रखी है। उनकी मधुमक्खियाँ हैं ये सारी, तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। और मैंने देखा भी यहाँ पानी के आसपास मधुमक्खियाँ, मैंने कल नोटिस करी कि काफ़ी सारी वो पानी के जहाँ पे पानी वगैरह होता है वहाँ पे बैठ जाती है। तो पता चला कि ये बाग वालों ने मधुमक्खियाँ पाल रखी हैं। तो थोड़ा सा इनके पास जाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा पास तो नहीं जाएंगे वरना ये हमें सुझा भी सकती है। तो मैं काकू के साथ उनके उन तक जा रही हूँ थोड़ा कैप्चर करने के लिए। तो मेरे इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए सामने की तरफ आपको बहुत सारी ये पेटी बक्से टाइप के नज़र आ रहे होंगे, और ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है बाघ का, इस बार उन्होंने ला रखी है यहाँ पे। और ये यहाँ पे चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है, उड़ती रहती है। और थोड़ा सा इनके पास जाते हैं, ज़्यादा पास तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये काट भी सकती है। पता चला व्लॉग बनाने के चक्कर में सूझ के आ गए हों उधर से, तो दूर से ही इन्हें कैप्चर करेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी सारी पेटियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई हैं। और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी मधुमक्खियों को, ज़्यादा पास मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे इनसे इनसे क्या सभी को इनसे डर लगता है। कितने दिन पहले लेके आए थे काकू? कितने दिन से है मधुमक्खियां यहाँ पे? कितने दिन, मतलब एक दो महीने हैं? तुमको काटा कभी बाघ वाले? हाँ, बाघ वाले। तुमको काटा कभी काकू? नहीं काटा। ये देखिए, कैमरे के सामने भी आपको बहुत सारी मधुमक्खियाँ नजर आ रही होंगी, एकदम कैमरे के पास आ जा रही हैं ये। तो इनको थोड़ा दूर से ही कैप्चर करते हैं। ये भी शायद व्लॉग में आना चाहती होंगी। मूनशाइन के व्लॉग में आ रही हो भाई तुम लोग, बहुत लकी हो, यूट्यूब पे आ रही हो तुम लोग। तो थोड़ा क्लोजअप भी दे दो, बिल्कुल कैमरे के पास आओ। ये देखो कितनी सारी मधुमक्खियाँ उड़ती हुई नजर आ रही कैमरे में, आप देख सकते होंगे काफी मधुमक्खियाँ कैद हो रही हैं कैमरे में। और ये मैं सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रही हूँ, मैं इनके पास में नहीं हूँ। ये सेल्फी स्टिक काफी लंबी हो जाती है तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है मेरे सामने ही है, बट ये काफी दूर है मुझसे। ये देखिए चारों तरफ मधुमक्खियाँ बाग में उड़ रही हैं। फ्रेंड्स, मेरे चाचा सामने की तरफ से आ रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि बाग वालों ने इतनी सारी मधुमक्खियाँ क्यों ला रखी है यहाँ पे। तो जाते हैं उनके पास। स्टॉप 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 स्टॉप,
चाचा एक बात बताओ, इतनी सारी मधुमक्खियाँ क्यों ला रखी यहाँ पे? शहद बनाने के लिए। शहद बन रहा है? ये बाग वाले बना रहे हैं? बाग वाले लेके आए? कितने दिनों से है मधुमक्खियाँ? ये लगभग 20 दिन हो रखे। काकू कह रहे हैं 1-2 महीने हो रखे। झूठा काकू है, एक नंबर का। फ्रेंड्स देखिए, काकू कितना एक नंबर का झूठा इंसान है। फेंक रहा था यहाँ पे कि 2-2 महीने हो रखे हैं, 1-2 महीने हो रखे इन्हें लाए हुए, जबकि ये सिर्फ 20 दिन पहले आ रखी हैं। और यहाँ पे जो है ये लोग जो इन मधुमक्खियों के जरिए शहद निकालेंगे और उसे अपना बेचेंगे बिजनेस वगैरह के लिए, ये यहाँ पे इकट्ठा कर रखी है इन लोगों ने। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जो पानी वगैरह है उसके आसपास भी ये उड़ती रहती हैं। कल एक मेरे हाथ पे भी चिपक गई थी, काटा नहीं उसने मुझे, बट चिपकी ज़रूर थी मेरे हाथ में, मुझे फील हुआ था कि ये मेरे से टच हुई थी। तो खैर वो वहाँ पे पानी पीने के लिए आती रहती है। तो इतनी सारी मधुमक्खियाँ तो मैंने एक साथ पहली बार देखी। देख सकते हो आप लोग भी कितनी सारी पेटियाँ हैं, इतनी थोड़ी बहुत तो बाहर उड़ रही हैं, अंदर पेटियों में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होंगी, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो मधुमक्खियाँ तो होनी ही हैं बहुत सारी। तो पहली बार मैंने इतनी सारी एक साथ मधुमक्खियाँ देखी इस बार। मधुमक्खियों से अब थोड़ा सा दूर चले जाते हैं ताकि ये हमें अपना शिकार ना बना लें और हम घर मतलब सूजी हुई हालत में ना पहुँचे। तो उससे पहले हम लोग इनसे दूर चले जाते हैं और जितना मुझे कैप्चर करना था दूर से वो मैंने कर दिया है। और अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।